कुष्मांडा। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनके पूर्व ब्रह्मांड का आसितत्व का था ही नहीं, इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्यलोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान और भास्कर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की क्षमता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश में दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी आठ भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके सात हाथों में कर्मश्या कमंडलू, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। आठवें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा कुम्भेड़ को कहते हैं। बलियों में कुम्भेड़ की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी ये कुष्मांडा कही जाती है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचन चल कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहर्निश अग्रसर हो। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्यों के सहज भाव से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेष्ठ है यशकर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों सर्वथा निमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना से सदैव तत्पर रहना चाहिए।